पानाति पाता विर्मनि सिक्खापदिं स्मादयामि आदिन्नदाना विर्मनि सिक्खापदिं स्मादयामि कामेश मिथ्याचारति रक्षा बंधन यानी कि रक्षा को बांधना, इसका मतलब शाब्दिक यही होता है। मगर जो बुद्ध के बाद जो बुद्ध के सूत थे, सूत उनको बोलते हैं जो उस समय बुद्ध ने बात कही उसको सूत कहते हैं, और ये सूत 84,000 लगभग हैं। 82,000 जो बुद्ध ने कहे और 2,000 जो उनके अच्छे शिष्यों ने कहे, ऐसे कुल मिला के 84,000 सूत हैं। उन सूतों का रक्षा करना और उन सूतों को एक साथ गूंथना और उनको बांधना, ये काम हुआ भगवान बुद्ध के परिनिब्बान होने के बाद, यानी कि जब वो परिनिब्बत हो गए और उनका शरीर चला गया। उसके बाद एक सुबद्ध नाम के जो वृद्ध सबसे आखिरे भिक्खु बने थे, वो बड़े खुश हुए क्योंकि उन्होंने इतना ध्यान तपस्या तो की नहीं। वो बिल्कुल जब भगवान बुद्ध मरने वाले थे, अपने शरीर को छोड़ने वाले थे, तब वो आए थे। और भगवान बुद्ध के अंतिम समय में उन्होंने रिक्वेस्ट की बहुत ज्यादा, तो उन्होंने भगवान बुद्ध ने उनको पवज्जा दी और धम्म सिखाया। तो धम्म की प्रैक्टिस नहीं कर पाए, इसलिए पक नहीं पाए। तो उथली उथली बातें और जो उछली उछली बातें, वो कहने लगे कि ये जो महासमण है, यानी कि शर्मण बोलते हैं संस्कृत भाषा में, वैसे समण है। जो महासमण है, महासमण का मतलब बुद्ध, जो महा माने बड़ा, जैसे महाभारत, तो अशोक के समय जो भारत था वो सबसे बड़ा था, तो अशोक का महाभारत। ऐसे ही जो समण है उसमें सबसे बड़ा समण है, यानी कि सबसे बड़ा समण या श्रवण उसको बुद्ध बोल रहे हैं। तो महासमण ये चला गया, अच्छा हुआ, क्योंकि ये हमें बात बात पे रोकता था। ए समण, ए भिक्खु ऐसे करो, ए सामनेर ऐसे करो, ए सावक ऐसे करो, ए भंते ऐसे करो, ये नियम पे नियम हमको बताता था। और इसने इतने सारे विनय के नियम हमें बताए कि हम उसमें बंध गए। और वो खुशी से नाचने लगा, क्योंकि कच्चा था वो, कुछ ना सोतापन्न हुआ, ना वो अनागामी हुआ, ना वो अनागामी हुआ, ना वो अर्थ हुआ, ना ही वो सकदाकामी हुआ। तो वो कच्चा था, इसलिए उछल रहा था बहुत ज्यादा। उसकी इस उछल कूद को देखकर जो महाकश्यप थे या महाकाश्यप थे, उन्हें चिंता पड़ी कि ऐसे तो जो महासमण ने, भगवान बुद्ध ने, तथागत ने, भंगी बुद्ध ने जो इतना बढ़िया धम्म हमें खोज कर दिया है, वो तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर इसके नियमों में ये बंधा हुआ नहीं रहेगा, इसके नियमों में हम नहीं चलेंगे, तो इसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए विनय है, इसलिए विनय के नियम बताए हैं ताकि भिक्खु उस पर चलकर उसको प्राप्त कर सके। तो कैसे किया जाए और इन सूतों को कैसे बांधा जाए, ये चिंता उनको होने लगी। क्योंकि अगर धम्म को रखना है तो धम्म को इंटैक्ट करने के लिए, बांधने के लिए, उन नियमों को एक सूत में बांध कर, यानी कि एक सूत बाद में धागे को भी बोलने लगे, तंतु को भी बोलने लगे, यानी कि सूत को सूत में बांधना, या सूत को तंतु में बांधना, या सूत में गंठ बांधना। गंठ का मतलब है गांठ बांधना, जिसको ग्रंथ बोलते बाद में। तो ऐसा उन्होंने कहा कि इसको बांधना चाहिए और इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए। रक्षा कैसे होगी, जैसे किसी चीज को बांध के रख देते हैं, उसकी सुरक्षा हो जाती है, खराब नहीं होती है। ऐसे ही इन सारे 84,000 सूतों को एक सीजल में, एक तरीके से, जैसे लाइब्रेरी में किताबें लगी होती हैं, पुस्तकालय में किताबें लगी होती हैं, और जैसे हर किताब के अंदर एक एक चीज नियमबद्ध तरीके से होती है, वैसे ही इनको सुव्यवस्थित कर अच्छी तरह से मैनेज कर इनको बांधा जाए और सूतों को बांध के उनकी रक्षा की जाए। यानी कि सूत को बांध के जो रक्षा की, रक्षा की, उसको रक्षा सूत बंधन बाद के लोगों तक में बहुत बड़े फेस्टिवल के रूप में इस सावन के महीने में। अब सावन महीना जो है वो समणों का महीना, सावन महीना, क्योंकि एक महीना हो चुका है। जो भंते हैं और जो भिक्खुनी हैं वो सारे के सारे वसावास में हैं और खूब धम्म चारों तरफ चल रहा है और धम्म की बात हो रही है। हर सोमवार को धम्म लगता है और धम्म को सिखाया जाता है। लोग हर सोमवार को अट्टसील का पालन भी करते हैं, तो सोमवार खास है सावन के महीने के अंदर। तो वहां उन्होंने एक महीना चूंकि हो चुका है इस बात के लिए, और भगवान बुद्ध को गए हुए, यानी वैशाख पूर्णिमा में वो गए थे, और वैशाख पूर्णिमा से लेके जो वैशाख के बाद में जेठ की पूर्णिमा आती है, और जेठ के बाद में फिर
अषाढ़ की पूर्णिमा आती है और अषाढ़ के बाद में श्रावण की पूर्णिमा आती है। तो लगभग 3 महीने से ऊपर का समय लगा इस बात के लिए कि इनको बांधा जाए। तो इस श्रावण पूर्णिमा को वो राजगीर के अंदर जो सप्तपर्णी गुफा है वहां पर अजात शत्रु जो राजा थे उन्होंने इंतजाम किया भिक्कुओं के लिए कि आप यहां सब इकट्ठे होके इन सब का इकट्ठा होके एक संघायन करें। संघायन का मतलब है संघ को जितने भी संघ हैं उसकी एक सभा करें। और वो पहला संघायन या पहली संगति हुई थी वहां पर राजगीर के अंदर भगवान बुद्ध के बैसाख के मरने के बाद सावन के महीने के अंदर। तो ये सारा समय इंतजाम लगा। महाकश्यप ने 499 भिक्कू छाटे जो अर्थ थे जो अच्छी तरह से जानते थे, मगर जो 500वां भिक्कू था यानी आनंद थे वो अर्थ नहीं थे, इसलिए उसमें देरी हो रही थी। उनको कहा कि आप अर्थ होके आ जाइए। और आनंद चूंकि इस मुगालते में रहते थे कि मैं भगवान का सारा काम करता हूं और भगवान का भाई भी हूं, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है, मैं तो वैसे ही पार हो जाऊंगा, वैसे ही तर जाऊंगा, वैसे ही तीर्ण हो जाऊंगा। मगर तीर्ण वैसे नहीं होते, पार वैसे नहीं होते, अर्थ वैसे नहीं होती। भगवान ने कई बार कहा आनंद मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। यहाँ कोई सगा संबंधी किसी की मदद नहीं करेगा, हर एक व्यक्ति को अपनी मदद खुद ही करनी है। तो आनंद लास्ट समय में जाके अर्थ हुए। फिर 500 अर्थ भिक्कों की सभा हुई और जो साल्वेशन वाले जो भिक्कू थे जब वो वहां पहुंचे तो वहां महाकश्यप ने उसकी चेयरमैनशिप की, प्रेसिडेंट बने, अध्यक्षता की, उन्होंने सारा मैनेजमेंट संभाला। और उपाली जो थे, उपाली विनय में सबसे आगे थे भिक्कू, यानी उपाली जो भिक्कू थे उनको विनय सबसे ज्यादा आता था। विनय उसको बोलते हैं जो भिक्कुओं के नियम होते हैं, भिक्कुणियों के नियम होते हैं, जो भगवान बुद्ध के समय में एक एक जो भिक्कुओं और भिक्कुणियों में कमी आती गई उस कमी को दूर करने के लिए जो नियम बनाए गए उस समय वो विनय के नियम थे। तो जो उपाली थे उनसे कहा कि आप विनय बताइए। और जो सुत थे यानी कि जो धम्म था वो सारा आनंद ने सुना था, क्योंकि आनंद ने भगवान बुद्ध से ये शर्त रखी थी कि मैं आपका सेवक तब बनूंगा यदि आप मुझसे ये वचन दें कि आप अगर बाहर भी कोई बात बता के आएंगे तो जिस संदर्भ में, जिस स्थान पे, जो बात जैसे आपने बताई है वैसे ही मुझे भी बताएंगे और सारी बात मुझे पता होनी चाहिए ताकि मेरे आने जाने वाले जो लोग मुझसे मिले तो वो मैं उन्हें बता सकूं कि भगवान उस समय वहां थे, ऐसा कहा, भगवान उस समय थे वहां ऐसा कहा। आनंद की मेमोरी बहुत बढ़िया थी। आनंद बहुत अच्छे भाड़क कह सकते हैं या गणक के कह सकते हैं, बहुत अच्छे भंडारक थे, यानी कि उनके पास इतनी अच्छी मेमोरी थी, वो अच्छा मेमोराइज करते थे कि उनको सारा सूत जितने भी थे भगवान ने कहे या जो उनके शिष्यों ने कहे वो उनको याद थे। तो महाकश्यप ने ऐसे ही नहीं पूछ लिया, उन्होंने विनय को खड़ा होकर कहा, उपाली को कहा कि उपाली बताओ ये विनय का नियम कब बताया गया, किस संदर्भ में बताया गया, क्या घटना घटी, किस घटना के संदर्भ में भगवान ने ये नियम बनाया। ऐसे ही आनंद से पूछा कि आनंद बताओ भगवान ने ये बात किस संदर्भ में कही, क्या समस्या आई थी, कब ये बात कही, कहां कही। और सारे जितने भी लोग थे वहां पे, क्योंकि 500 तो अर्थ ही थे, बाकी जो अर्थ नहीं थे यानी जो सकदागामी थे, जो अनागामी थे, जो सोतापन्न थे, जो सामने थे, वो भी थे वहां सारे, और वहां राजा के लोग भी थे। तो सभी लोगों ने इसका अनुमोदन किया और इसको कहा कि ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, कोई बात अगर गलत बताई होगी तो वो वहां ठीक की गई होगी कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो वो सूत्रवार सारी सारी चीजें लाइनबद्ध जैसे जैसे करके लाइनेज बना के, क्रमवार बना के उनको एक 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 करके दोहराया गया। और स्पेशल लोग हुआ करते थे उस समय जिनको भाड़क बोलते थे, गणक बोलते थे, जो इसको मेमोराइज करते थे और जो इसको याद करते थे, उनकी ड्यूटी लगाई कि आप इसको याद करें। उसमें भिक्कू भी थे और उसमें किराए के लोग भी थे जिनका काम ये था मेमोराइज करने का। और सारा उन्होंने सुत पीटक और विनय पीटक याद किया। तब तक सिर्फ दो ही पीटक थे, ध्यान रखना, सुत पीटक और विनय पीटक। अभी धम्म सुत पीटक में से बाद में बना हुआ है। ये सारा का सारा वहां पर संघायन करके अजातशत्रु ने उनको 7 महीने लगे इस बात में। 7 महीने का मतलब है कि सावन की पूर्णिमा से जब इसको आरंभ किया तो फागुन की पूर्णिमा आ गई। उस फागुन की पूर्णिमा को लोग होली मनाते हैं। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो होली में जब वो जहां होली जलाते हैं तो वहां पर वो जो एक माला है उसमें एक धम्मचक्र बना के लेके जाते हैं, 8 उसके अंदर जो लड़ियां होती हैं और एक धम्मचक्र होता है। 8 का मतलब अष्टांगिक मार्ग हो गया, तो अष्टांगिक मार्ग के साथ में और एक धम्मचक्र ले जाके और वहां करते हैं। यानी कि उस दिन वो कंप्लीट हो गया तो वो माला उन्होंने बांध दी सूत में, जो सूत यानी धागा यानी तंतु जो था वो उसमें बांध दिया और बांधकर उसकी प्रक्रिया 7 महीने पूरी हो गई और लोगों ने उसको
हल्ला से खुशी से स्वीकार किया। वो जो सूत्रों की रक्षा हुई है, यानी जो रक्षा सूत्रों की हुई है, रक्षा सूत्रों की हुई है, उसकी खुशी मनाने के लिए नॉर्थ भारत के अंदर खास तौर से, वैसे तो पूरे भारत में रक्षा सूत्र को अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके से सभी जगह इस सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। दरअसल सावन क्या है, सावन का मतलब होता है, सावन है, सावन का मतलब है घोषणा, यानी अनाउंसमेंट होना। अनाउंसमेंट हो रही है कि अब सूत्र बांधे जा रहे हैं, सूत्रों की रक्षा की जा रही है, ये सावन हो गया, यानी कि सारा हो गया। और सावक कौन होता है, भगवान बुद्ध के शिष्य होते हैं। और सावन और श्रवण क्या होता है, सुनने वाला होता है, यानी सबक जो होता है जिसने सुन लिया उसको सबक सबक बोलते हैं, सावक श्रवण बोलते हैं, सावक हो गया। और श्रवण वो हो गया जो सुनता है। तो ये सावन है या श्रवण है या श्रमणा है या श्रवण है या श्रावण है, ये सारे शब्द श्रवण से बने हुए हैं। दरअसल श्रवण में जो बाद में ड़ है उसको ने बना दिया और स को बाद में श्रय बना दिया, ये संस्कृत भाषा में ऐसा कमाल हुआ है। तो असली शब्द है इसका सावन का महीना, या सावण भी बोल सकते हैं आप, सावण या सावन, यानी घोषणा होना। और जो सुनता है उसको बोलते हैं सावण, यानी जो सुन रहा है उसको बोलते हैं सावण। और जो सावक होता है, सावक होता है भगवान बुद्ध का शिष्य, उसको सावक बोलते हैं। और इसी सावण को श्रमण भी बोलते हैं, श्रमण भी बोलते हैं। और इसके जो विरुद्ध लोग होते हैं, जो अपोजिट लोग होते हैं, उनको वर्मन बोलते हैं या वर्मन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं वर्मण, ऐसा इसके अपोजिट, यानी वे माने जो होता है विपरीत होता है। तो वमन हो गया, वर्मन हो गया, और श्रमण हो गया, और श्रमण हो गया। तो ये सारा का सारा, चूंकि भारत महाश्रमण का, महाश्रवण का, यानी बुद्ध का सारे जो उपदेश थे, सारे जो देशना थी उससे भरा पड़ा है, इसलिए जगह 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 लोगों ने रखा सूत्र की, धम्म के सूत्र में बंध जाने से और धम्म को इकट्ठा हो जाने से और उसको मेमोराइज हो जाने से, उसको याद हो जाने से, बाद में जो भाड़क लोग थे वो जगह 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 कहानियां कहते थे, इसके बारे में बताते थे। तो लोग अपने उनको घर में बुलाते थे कि आप हमें धम्म सुनाओ, और धम्म के बदले में उनको पैसा मिलता था। ये कथा और कहानी सुनाने की प्रैक्टिस आज भी भारत के अंदर बहुत चलती है, मगर कथा का जो नाम और रूप है वो बदल चुका है, वो चेंज हो चुका है। बाकी कथा सुनाने का और सुनने का जो तरीका है और जो आज भी लोग जाते हैं घरों में, वो आज भी चल रहा है। धम्म बदल गया है, बात बदल गई है, कथा लोग या कथा वाचन या कथा कहना भाड़क या गड़क नहीं भूले हैं, वो काम चलता रहता है। दरअसल पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले जो धम्म संसद लगी या जो धम्म संघायन हुई, या जहां लोगों ने मिलकर एक प्रस्ताव पास किया, जहां नियम बनाए, जो संवैधानिक नियम रहे, जो लोगों के वेलफेयर के लिए नियम रहे, जिसका एक धम्म का संविधान बनाया, धर्म संसद बनी, वो पूरी दुनिया में सबसे पहले जो बुद्ध के सूत्र हैं, बुद्ध की बातें हैं, उसकी ही बनी और उसी की सबसे आगे चलती रही। पहले वो मौखिक रूप से थी, बाद में जब ताम्रपत आ गए, यानी तांबे के पत्तियां आ गई या पत्थर की सलाएं आ गई, तो अशोक ने पत्थर की सलाओं पर लिखवाया और श्रीलंका में ये ताम्रपत पे लिखी गई, यानी तांबे की पत्तियों पे लिखी गई, और बाद में पूरी दुनिया में फैली और हजारों भाषाओं में आज के समय भगवान बुद्ध का वो जो संविधान, जो शिक्षा और जो सूत्र हैं, वो आज भी चारों तरफ ऐसे कैसे हैं। तो लोग उसकी खुशी में रक्षाबंधन सूत्र मनाते हैं। नॉर्थ के अंदर, यानी पंजाब भाषा में, कंधार के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर इसको रखड़ी बोलते हैं, रखड़ी, क्योंकि भाषा वहां बदलती है, तो इसको कहते हैं रखड़ी बांधे, भी रखड़ी बांधे। दरअसल एक भाई और बहन का जो त्योहार है, हो सकता है कि वहां से आते आते लोग भूल गए हों और इसको एक धागे के रूप में, तंतु के रूप में, भाई बहन के रूप में आ गए हों। तो ऐसा हो सकता है कि, क्योंकि अगर रक्षा महिला अगर हमारी कमजोर होगी, तो जाहिर सी बात है कमजोर इसलिए है क्योंकि सामने वाला कोई आदमी है जो उसको परेशान कर रहा है। तो भारत के आदमी इतने कमीने तो पहले रहे नहीं कि वो किसी की बहन को इस तरह से परेशान करेंगे या देखेंगे। अभी की बात तो हो रहा है, अब तो पाप बहुत बढ़ चुका है। और अगर एक बहन की रक्षा करनी है तो खाली बहन की रक्षा क्यों, फिर माँ की रक्षा क्यों नहीं, फिर बेटी की रक्षा क्यों नहीं, फिर पत्नी की रक्षा क्यों नहीं, फिर बूढ़ी जो दादी है उसकी रक्षा क्यों नहीं। यानी अगर रक्षा का सूत्र ही बांधना है, और अगर एक मर्द ने औरत को बांधना है, तो फिर सारे मर्द सारी औरतों को ही क्यों नहीं बांधते, इसमें सारी मर्द या सारे औरत क्यों नहीं आते। अगर कोई ऐसी बात है तो आपकी, अगर कोई रिश्ते में नहीं लगती है कोई महिला और आपकी गर्लफ्रेंड है, तो आप उसको क्यों नहीं बांधते, उसकी रक्षा क्यों नहीं करते। इसका मतलब यह है कि महिलाओं द्वारा पुरुषों, या पुरुषों द्वारा महिलाओं की जो रक्षा का जो सूत्र है, ये संवैधानिक रूप से या सैद्धांतिक रूप से या
व्यवहारिक रूप से कहीं जमता नहीं है, क्योंकि एक सिर्फ बहन की रक्षा हो रही है, बाकी जो और दादी की, ताए की, मामी की, चाची की या पत्नी की या बेटी की, इनकी रक्षा नहीं हो रही है। दूसरा यह है कि एक ही दिन रक्षा हो रही है तो 365 दिन रक्षा क्यों नहीं हो रही है। तीसरी बात यह है कि वो कमजोर किससे है और किससे वो डर रही है और किससे वो परेशान है जो उसकी रक्षा करनी पड़ रही है, और वो रक्षा करने के लिए इतनी दुबली पतली या इतनी कमजोर बना किसने दी है। क्योंकि भारत की जो महिलाएं हैं वो तो खुद मर्दों की रक्षा करती आई हैं। भगवान बुद्ध के समय में महिलाएं घर चलाती थीं, पूरा कुल चलाती थी, कुल माताएं होती थीं। वो तो पुरुषों को हिम्मत देती थी, जो नर हैं उनको हिम्मत देती थी, तो वो कमजोर तो कभी रही नहीं। आज भी जो हमारा ईस्टर्न स्टेट है और जिसमें मेघालय जो स्टेट है हमारा, उसके अंदर जो शिलांग जगह है, शिलांग के अंदर आज भी जो सबसे छोटी महिला होती है घर में, लड़की होती है, वो पूरे घर की मालकिन होती है। घर के मर्द बाहर कमाते हैं, महिलाएं भी कमाती हैं, मगर घर की मालकिन आज भी वहां महिलाएं होती है। महिला प्रधान वहां की कल्चर आज भी, जो बुद्ध के समय की है, वो आज भी वहां पर दिखाई देती है। तो ये जो रखा है, यानी कि जो रखा सुत बंधन दिवसो है या रखा सुत दिवसो है या रखा सुत दिवसंग है, इसको आप कैसे भी सेलिब्रेट करें, मगर एक बार धम्म के जो सूत हैं उनको जरूर देख लें, क्योंकि पूरा दिन आपके पास है। तो देखें कैसे कैसे संगायन हुई, कैसे कैसे पहले संगति हुई, कैसे कैसे भिक्खु वहां इकट्ठे हुए, क्या नजारा रहा होगा, इसका थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान बुद्ध के जो सूत हैं वो पहली बार सबसे, यानी दुनिया के पहले जो सूत्र हैं वो सबसे पहले वहीं पे बंधे, वहीं उनकी सुरक्षा हुई, वहीं उनकी रक्षा हुई, तब इसका नाम रखा सूत दिवसो या रखा सूत बंधन दिवसो पड़ा। आपको रखा सूत दिवसों की या रखा सूत दिवसों की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां हैं। आप इन सब सूत्रों को पढ़ेंगे तो सूत्र आपकी रक्षा जरूर करेंगे, कोई और आपकी करे ना करे, ये बिल्कुल 100% पक्का है। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद।